सो गाइस, आपका मेरे टेक्निकल मोनो 2.0 चैनल में स्वागत है। मैं आपको YT स्टूडियो के एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला हूँ इस वीडियो में। सो गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। पर आपको नीचे व्यू मेमोरी के ऑप्शन पर जाना है। आपको नीचे स्क्रॉल करके गो टू वीडियो एनालाइट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर फ्रेंड देखिए, आपको ये प्रॉब्लम शो होगी आपके स्क्रीन पर। ऑडियंस रिटेंशन, नो ऑडियंस रिटेंशन डाटा अवेलेबल फॉर दिस वीडियो प्रोसेस कैन अप टू डेज। आपके 2 दिन का डाटा यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। ये प्रॉब्लम गाइस बहुत सारे यूट्यूबर के साथ हो रही है। आप इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में सोल्यूशन बताऊँगा। आपको बैक कर लेना है गाइस। गाइज, जो अपने माता पिता से ज़्यादा प्यार करते हैं, कृपया करके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको ऊपर प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेंड फीडबैक के ऑप्शन पर जाना है। फिर गाइज, जो आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है उसे यहाँ पे आपको कमेंट कर देना है। गाइज, मैंने पहले से कॉपी कर रखी है अपनी कमेंट, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इस कमेंट की लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फिर आपको सेंड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, थैंक यू फीडबैक लिखा हुआ आ रहा है। फ्रेंड्स, हो जाएगी 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी 1-2 दिन के अंदर गाइस। थैंक यू गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट में बताइए। धन्यवाद।